गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, दिस इज योर लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 10 एंड हेयर इज 29th of April। ठीक है, डेट मेंशन जरूर करिए आप लोग। सो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, हमने जस्ट स्टार्ट किया था, हमने एक ओवरव्यू लिया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कहाँ से होते हैं। तो लेट्स रिवाइज इट। सबसे पहले फूड कहाँ एंटर करेगा? माउथ। माउथ से कहाँ जाएगा? बकल कैविटी। मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपका रिविजन हो जाए। बकल कैविटी से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस से आप कहाँ एंटर करेगा? स्टमक में। बट वहां पे बीच में क्या होगा? एक स्पिंस्टर होगा, ईसोफेजियल स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मैंने बताया था, यू मान के चलिए एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर सिग्नल मिलने के बाद, ठीक है ना, वो जैसे मान लो ये पर्टिकुलर जो है पाथवे है और सिग्नल मिलने के बाद ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा जिससे ये साइट यहाँ से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, वाल्व अलग चीज होती है, स्पिंस्टर्स अलग चीज होता है। तो ईसोफेजियल स्पिंस्टर। ठीक है, और उसके बाद फूड कहाँ एंटर हो गया है? स्टमक में। वेरी गुड, याद है आप लोगों को। स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाएगा? ड्यूडेनम पार्ट। ड्यूडेनम से जेजुनम पार्ट में, जेजुनम से इलियम पार्ट में, और इलियम से अब कहाँ एंटर कर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की भी कौन से रीजन में? सिक्कम रीजन में। ध्यान रखना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कभी फूड एंटर नहीं करता। अब सिक्कम से कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है ना, हमने एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन बनाई थी तो ऊपर की तरफ हुआ था, ऊपर आएगा यानी कि असेंडिंग कोलन। फिर बीच में से ऐसे पास करेगा ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे की तरफ जाएगा डिसेंडिंग कोलन, और अल्टीमेटली फिर रेक्टम पार्ट में अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो स्टोर रहेगा और यू विल पास आउट थ्रू योर एंड्स। ठीक है, तो ये पाथवे है। इतना ज्यादा अगर आप याद नहीं कर सकते तो आपने सिंपल सा याद करना है, माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक से कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और कंप्लीट टाइप का हमारे पास क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ बकल कैविटी, हमने सिर्फ डायग्राम पढ़ा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। देखो, हमारा जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या चीजें डाइजेस्ट हो रही है उन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो अभी आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी नहीं हुआ है, लेंथी है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दो लेक्चर में भी शायद हो जाएगा, दो लेक्चर में हो जाना चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले फूड कहाँ एंटर करता है? माउथ में एंटर करता है। माउथ आपको पता है ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेयर फ्रॉम वेयर फूड इज इंजेस्टेड। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि नोट्स मैंने आपको दे देने हैं, मैं नोट्स दे दूंगी आपको, वहां से आप उसको ले लेना। ठीक है, तो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते हैं डायग्राम के अंदर, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है, और जब ये ओपन होगा, माउथ ओपन होगा, तो यहाँ से फूड एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब देखो माउथ के बाद फूड क्या? माउथ में, माउथ तो जस्ट एक स्लिट है। फूड कहाँ एंटर कर गया है? फूड एंटर कर गया बकल कैविटी के अंदर। अब बकल कैविटी होती क्या? देखो बकल कैविटी क्या है, यहाँ पे आपके क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपके टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, टीथ के साथ साथ यहाँ पे आपकी टंग प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या है, एक ग्लैंड हमने बनाई थी, दैट इज सलेबरी ग्लैंड, है कि नहीं? तो वन बाय वन पढ़ते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। तो टीथ का देखो डायग्राम, टीथ का स्ट्रक्चर हम लास्ट में पढ़ेंगे जब पूरा न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे किन किन चीजों से बना हुआ है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर लेटर सेक्शन। बट फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है, देखो टीथ जो है हमारे वो तीन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दे आर इंकोडोंट, ठीक है, दे आर डाइफोडोंट एंड दे आर हिट्रोडोंट। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले हमारी डेंटिन, हमारे ह्यूमन बीइंग की जो डेंटिशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है,
ठीक है, तो हम तीन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, थिकोडोंट, डाइकोडोंट और हिटोडोंट। मतलब क्या है इसका, देखो बेटा हमारे जो टीथ है ठीक है वो हमारे जॉ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, जॉ सॉकेट बन गया। अगर हमारा टीथ यहाँ से टूट जाता है तो एक गड्ढा सा बनता है कि नहीं, तो एक सॉकेट के अंदर फिक्स है ठीक है ना। हमारे गम्स में एक सॉकेट बन जाता है, सॉकेट तो समझते हो ना, घर में जो सॉकेट्स होते हैं देखे होंगे, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आप जो है प्लग वगैरह डालते हो ठीक है, तो सॉकेट्स क्या है, एक गड्ढा सा बन जाएगा ठीक है। तो देखो हमारे जो टीथ हैं दे आर एम्बेडेड एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स ठीक है, जॉ सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होता है। इस टाइप के टीथ को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट डेंटिशन ठीक है। दूसरा है डाइकोडोंट, डाई मतलब दो, डाइकोडोंट का मतलब क्या होता है देखो, पूरी लाइफ के दौरान ठीक है, अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग ठीक है, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या आते हैं, जो टीथ है वो टू टाइप्स आते ठीक है ना। एक तो क्या होता है जिनको आप बोलते हो मिल्क टीथ ठीक है, दूध के साथ जिनको बोलते हो, और एक होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ ठीक है। तो when two different types of teeth arises throughout the lifespan ठीक है, दो बार लाइफ में जो है, टू टाइम्स लाइफ में जब टीथ आते हैं तो उस टाइप के डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट। इन्हीं का दूसरा नाम होता है डेसीडियस टीथ, डेसीडियस फॉरेस्ट सुना है ना सॉरी वहीं से वर्ड आया है, जो टूट जाते हैं ठीक है, और जो परमानेंट होते हैं वो परमानेंटली आते हैं, उसके बाद कभी टूटते नहीं, समझ में आया। तो हमारी पूरी लाइफ टाइम टाइम के दौरान दो बार टीथ आते हैं, ये 6 मंथ से लेके और 2 इयर्स का कंप्लीट आ जाते हैं, उसके बाद ये टूटते हैं और परमानेंट आते हैं, आई बस समझ में ठीक है। और तीसरा जो करेक्टर है दैट इज हिट्रोडोंट करेक्टर, हिट्रोडोंट करेक्टर का मतलब क्या है, हिट्रो मतलब डिफरेंट ठीक है, डेंट मतलब डेंटेशन। अब हमारे अंदर क्या है, वी हैव स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इंसिजर्स, केनाइन ठीक है, प्री मोलर एंड मोलर है ना, यही पढ़ते आ रहे हो आप ठीक है। इंसिजर्स का काम क्या होता है, इंसिजर्स आपके कुछ कटिंग टाइप ऑफ टीथ, आगे के जो है ऊपर के 4 अभी आगे करवाऊंगी डेंटेशन ठीक है ना। इंसिजर्स किसके लिए काम आते हैं, कटिंग के लिए काम आते हैं, मतलब उनको कट करते हैं ठीक है। तो कैनाइन है वो बहुत ही नुकीले से दांत होते हैं कुछ इस टाइप के ठीक है ना, ऐसे करते हैं ऐसे करते ठीक है। तो देखो कैनाइन जो है वो वेयरिंग टेयरिंग के काम आते हैं, फाड़ने के काम आते हैं, किसी चीज को काटने में तो कौन हेल्प करेगा, इंसीजर ठीक है, उसको फाड़ने में, उसके वेयरिंग टेयरिंग करने में क्या हेल्प करते हैं, कैनाइन। और फिर उसके बाद ग्राइंडिंग का जो पर्पस होता है ठीक है ना, ग्राइंडिंग में जो हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे डेंटिशन की, तो हमारी डेंटिशन कैसी है, हमारी डेंटिशन थिकोडोंट, डाइकोडोंट, हिट्रोडोंट ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये सब आप करते हो, अब इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हाई लेवल पे पढ़ाई जाती है, 11th-12th लेवल पे कॉम्पिटेटिव बेस से पढ़ाई जाती है, जैसे टस्क ऑफ एलिफेंट टीथ क्या होता है ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम बाद में जब टीथ वाला सेक्शन करेंगे ना, अलग से एक लेक्चर पूरा टीथ के लिए लेंगे, वहां पे आपको करवा देंगे ठीक है ना। अब देखो बेटा होता क्या है कि हमारी जो दांत है ठीक है ना, उसका क्या दिया जाता है, डेंटल फॉर्मूला दिया जाता है ठीक है ना, डेंटल फॉर्मूला, यानी हमारे दांतों का जो पैटर्न है वो फिक्स है ठीक है, हमारी टीथ का जो पैटर्न है दैट इज फिक्स्ड। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, हमें अपर और लोअर हाफ में जो टीथ का अरेंजमेंट है उसको बताता है ठीक है, इट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर एंड लोअर हाफ ऑफ ठीक है ना, अपर एंड लोअर हाफ में जो टीथ है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट द कंप्लीट नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। तो देखो डेंटल फॉर्मूला हमें किस तरीके से अरेंज करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया जाता है वो इंसिजर के लिए, फिर दिया जाता है कैनाइन के लिए, फिर प्री मोलर के लिए, और फिर मोलर के लिए अपॉन में, फिर इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, और इन सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आया समझ में ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देते हैं, डेंटल फॉर्मूला देते हैं। अब अगर आपने कभी गिने हो आपके बचपन में कितने दांत थे, गिने हैं कभी किसी बच्चे ने, गिने हैं? देखो मिल्क टीथ की जहां तक बात होती है, देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 2102
अपॉन में 2102 मल्टीप्लाइड बाय 2। मैथ्स अप्लाई मत करना, ठीक है ना, मैथ्स नहीं लगाना आपने यहाँ पे। देखो हमें यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन करना, 2 + 1 + 2 कितने हो गए 5। अगेन ये ऊपर के पांच दांत हो गए हाफ के अंदर, 2 + 1 + 2 नीचे के हाफ आगे बकल का देखने हाफ जो हमें जो है, ठीक है ना। तो 5 + 5 कितने हो गए 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल कितने हो गए यू हैव 20 मिल्क टी। ठीक है, बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं 20 होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से एक्सेंट है यहाँ पे, तो देखो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा एक्सेंट होता है, एक तो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मिसिंग है। अभी कैसे मिसिंग है वो आपको पता चल जाएगा। परमानेंट की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन में 2123 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 2 + 1 + 2 = 5 + 3, ठीक है, 8, 8 + 8 = 16 और मल्टीप्लाइड बाय 2 = 32। तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ से कौन सा मिसिंग था, एक तो दो प्रीमोलर नहीं होते छोटे बच्चे में और एक मोलर नहीं होता, एक एक जॉ के अंदर, एक हाफ जॉ के अंदर। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगा लो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम डायग्राम बना लिखो, दो तो हो गए इंसीजर्स एक हाफ में, ठीक है, एक हो गया कैनाइन, ठीक है, उसके बाद कितने बता रहा है दो प्रीमोलर, एक और ये दो प्रीमोलर, उसके बाद तीन क्या है यहाँ पे इस तरीके से मोलर, क्लियर। तो अभी हमने ये वाला पार्ट क्या है, अपर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से नीचे मिलेंगे आपको, और इसी तरीके से आपने कैसे मिलेंगे आपको दूसरी साइड में मिलेंगे, ठीक है ना। ये एक हाफ की बात की है, ठीक है, तो ये एक हाफ का एक जॉ है अपर जॉ, ऐसे ही आप लोअर जॉ में बताएंगे ऐसे करके ये, और ये हो गया कैनाइन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे प्रीमोलर और फिर ये मोलर। मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, एक डायग्राम आप बाद में, ठीक है। और अगर हम इसको कंप्लीट बनाए तो कंप्लीट कैसे बनाओगे, दो तो ये क्या हो गए आपके कैनाइन, सॉरी इंसिजर्स, उसके बाद कैनाइन, ठीक है, ऐसे करके उसके बाद क्या हो गए दो मोलर हो गए, ठीक है, और तीन क्या हो गए मोलर, ऐसे रफ डायग्राम बना दिया। तो देखो ये आपका कंप्लीट सेट हो गया, ठीक है। तो जब हम अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डेंटल फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है। डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट दी नंबर अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ जॉ इन दी बकल कैविटी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है इसको समझना, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो बात थी डेंटल फॉर्मूले की, ठीक है। फंक्शंस, ओवरऑल फंक्शंस की जहां तक बात है कि पर्टिकुलर टीथ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो टीथ के फंक्शंस को देखो, हमें पता चल रहा है पहला काम क्या है, कटिंग है, च्यूइंग है, कटिंग ऑफ फूड, ठीक है, च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होता है, और भी कोई काम होता है, यस, क्या मिक्सिंग ऑफ सलाइवा अलोंग विद फूड, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ एक और काम भी होता है, क्या उंगली काटना किसी की, नहीं, इसका काम होता है इट हेल्प्स इन स्पीच, ठीक है ना, स्पीच, और लिखना चाहो तो प्रोटेक्शन भी लिख सकते हो कि पर्टिकुलर किसी जब भी जरूरत पड़े तो हम काट के भाग सकते हैं किसी को भी, है, बट ऐसा करना नहीं है। तो देखो प्रोटेक्शन आप लिख सकते हो अगर आपको कोई माइंड में ना आए, बाकी दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने मेन फंक्शन ध्यान में रखना है, स्पीच का फंक्शन होता है कटिंग ऑफ फूड, कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड लिख सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो टीथ के बाद नेक्स्ट आता है किसका, टंग का, ठीक है। टीथ की एक छोटा सा टॉपिक है डेंटल कैरीज का, वो मैं लास्ट में करवाऊंगी अभी नहीं, ठीक है। और टीथ के लिए कुछ स्पेशल चीजें हमें बतानी है, वो
मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए इसी पे कंसंट्रेट करो। उसके बाद बात करते हैं टर्म, ठीक है। टर्म क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर पार्ट है। और इसका क्या है, लोअर पोर्शन तो किससे अटैच होता है, लोअर पोर्शन बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है। और एक पोर्शन क्या होता है, फ्री टू मूव, ठीक है, एक पोर्शन क्या है, फ्री टू मूव होता है। उसको और बढ़िया तरीके से बनाया तो इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो टंग का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि आपका फिर बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज ये चैप्टर, ठीक है ना। टंग का मेन फंक्शन क्या होता है, देखो क्या है, हमारी टंग के ऊपर क्या है, कुछ इस तरीके से क्या है, जब आप अपनी टंग क्लीनर से टंग साफ करके देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसे टेस्ट बर्ड्स दिखाई देगी, ठीक है। और दे आर सेंसिटिव फॉर आर रेस्पेक्टिव टेस्ट, ठीक है, शोर है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, अलग अलग जो टेस्ट है उनके लिए क्या है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स है, ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं, जिनको पैपिले कहा जाता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 different types होते हैं, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, बट आई एम नॉट गोइंग विद दैट, ठीक है ना, मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आपसे कोई पूछ ले कि टंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या लिखोगे, मिक्सिंग ऑफ फूड अलॉन्ग विद सलाइवा, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, अभी आगे बात करते हैं सलाइवा, वैसे आप पढ़ चुके छोटे क्लास में। और क्या फंक्शन होता है टंग का, ठीक है, स्पीच में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, ठीक है, करती है, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, इट है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है ना, टेस्ट बर्ड्स होते हैं फॉर सेंसिटिव फॉर वेरियस टेस्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए, जो टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, क्लियर, ठीक है। तो हमने टीथ पढ़ लिया, हमने टंग पढ़ लिया, अब बात करते हैं सलाइवा की, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, जहां से जनरली क्वेश्चन आता है। अब तक तो हम जो है आपका पीछे का ही पार्ट रिवाइज कर रहे थे जो छोटी क्लास में। अब देखो बेटा जहां तक बात है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, तो देखो सलाइवरी ग्लैंड है, ग्लैंड मैंने कहा था कोई भी ऐसा सेल, ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिक्रेटिंग सम पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, जो एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है, दैट मे हेल्प इन डाइजेशन, दैट मे ऑल्सो हेल्प इन सर्टेन अदर फंक्शन, अगर डाइजेशन में रोल कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, ग्लैंड हमारे पास दो टाइप की होती है बेटा, हालांकि ये पार्ट हम सेकेंड चैप्टर में अगेन से करेंगे, ठीक है, बट फिर भी पता होना चाहिए आपको, ग्लैंड दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये मैंने आपको नोट्स में लिख कर नहीं दिया, वैसे ही समझ लो, ठीक है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में हमें करना है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो एक्सो का मतलब बाहर आना, ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर आना, ठीक है, एंडो का मतलब अंदर जाना, लेकिन हम वहां से इसको नहीं रिलेट करेंगे। मान लो ये ग्लैंड है, यानी ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, और इसने अपना सिक्रीशन चारों तरफ सिक्रीट ना करके एक ट्यूब के अंदर इकट्ठा किया, इस ट्यूब में सभी ने अपना सिक्रीशन कहाँ डाला, इस ट्यूब में, ऐसे, और ट्यूब से वो सारा कहाँ पे आ रहा है, एक पर्टिकुलर टारगेट साइट पे जा रहा है, ठीक है, टारगेट साइट पे जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड्स विद डक्ट, ट्यूब को क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, तो ऐसी ग्लैंड जिसमें क्या हो, डक्ट एसोसिएटेड है, ठीक है ना, विच आर सिक्रीटिंग देयर केमिकल डायरेक्टली ऑन द टारगेट ऑर्गन, ठीक है, थ्रू देयर डक्ट, उनको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि कोई पर्टिकुलर ग्लैंड है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, अपना सारा सिक्रीशन क्या कर रही है, चारों तरफ सिक्रीट कर रही है, और यहां से ये सिक्रीशन किस में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, सिक्रीशन किस में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ब्लड से वो किस पे जा रहा है, किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे जा रहा है, समझ में आया। तो जो अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में डाल रही है, ठीक है, और ब्लड उसको लेके जा रहा है, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, तो सलाइवरी ग्लैंड कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये तीन पेयर होते हैं, एक हमारे कान के नीचे, दोनों कान के नीचे यहाँ पे, ठीक है ना, कई बार आपने सुना होगा मंक्स हो जाते हैं कन्फ्यूज जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे हमारी सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना, जो 2-3 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है,
तो ये कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद एक हमारे जो है जॉ जो है उसके टिप उसकी जो वर्टेक्स वहां पे होता है, एक हमारे मैक्सिला के अंदर होता है। तो अलग अलग लोकेशन से हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्या है, सलेवरी ग्लैंड के तीन पेयर होते हैं और तीन अलग अलग डक्ट से वो हमारी बकल कैविटी में क्या कर रही होती है, सिक्रीट कर रही होती है। और उस केमिकल को, ठीक है, जो ये सिक्रीट करती है, जो ये रिलीज करती है, ठीक है ना, उस केमिकल को क्या बोलते हैं हम, सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हो? सलाइवा। जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, थू बोलते हो, है ना, तो सलाइवा है। अब देखो सलाइवा के अंदर बेसिकली होता क्या, इसमें होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कहो पीएच मेंटेन करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पोटेशियम आयन्स हो गए, सोडियम आयन्स हो गए, बाइकार्बोनेट आयन्स हो गए, ठीक है ना, उस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, कुछ एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है, बस अभी के लिए मान लो कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए कुछ आर्मी हो ऑफ सेल्स होती है, सॉरी सेल तो नहीं कहेंगे उसको, सेल्स कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन सिक्रेट करती है और उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है ना, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। बेसिकली IgA होती है बाई चांस, ठीक है। तो कुछ एंटीबॉडीज होती है, कुछ क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम्स, ठीक है। अब लाइसोजाइम्स क्या है, कुछ ऐसी एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को किल कर रही है, ठीक है, बस इतना मान लो। तो देखो इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज सलेवरी अमाइडेज। दिख रहा होगा कलर, सलेवरी अमाइलेज, ये क्या है, ये एक मेन एंजाइम है, ठीक है ना। एंजाइम क्या, वो जो डाइजेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है, समझ में आया। तो सलाइवा के अंदर हमारे बेसिकली ये चीजें तो होती हैं, बट द मेन कंपोनेंट उसका क्या है, उसमें कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, सलेवरी अमाइलेज। बहुत बार क्वेश्चन आता है, अब सलेवरी अमाइलेज करती क्या है, सलेवरी अमाइलेज क्या करती है बेटा, देखो हमने जो भी खाना खाया, ठीक है, जो भी खाना, दीज आर वेरी सिलेक्टिव फॉर देयर फंक्शन। एंजाइम्स हमेशा केवल बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक पीएच और एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में ये काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सलाइवा का पीएच है खाना खाने से पहले लगभग 6.8 होता है, ठीक है ना। हमारे सलाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है, खाना खाने से पहले क्या होता है, लगभग यूं कहो समवॉट एसिडिक होता है, 6.7 मान के चलो, नियरली न्यूट्रल, ठीक है, बिफोर मी 6.7 एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, ये तो नियरली न्यूट्रल है। खाना खाने के बाद कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद सलाइवा जो है कैसा होता है, जो मिक्स होता है ना हमारे खाने के बाद के अंदर जो मिक्स होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। बात करेंगे इस पे हम आगे, ठीक है। तो ये पीएच की बात है, देखो अब देखो ये सलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम दूसरा, कई बार क्या होता है पेपर में नाम बदल के आ जाता है, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, पी साइलेंट है यहाँ पे, तो इसका दूसरा नाम टाइलिन है। अब देखो करता क्या है, हमारे फूड में जितना भी स्टार्च कॉन्टेंट है, जो भी हमने खाया अगर उसमें स्टार्च है, स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा उसका, ठीक है, उस स्टार्च का क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है, लेकिन कंप्लीट स्टार्च का नहीं करेगा, नियर अबाउट 30%, जो भी खाया उसमें जितना भी होगा उसका 30%, बहुत ही ना के बराबर, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन डाइजेशन करता है। और किस चीज में छोड़ देता है, छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल में, माल्टोज हो गया, आइसोमाल्टोज हो गया, आप ये याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद कर सकते तो सिंपल शुगर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो कंप्लीट शुगर अभी नहीं टूटी है, ये शुगर है बट सिंपलेस्ट शुगर नहीं है, यानी अभी अभी से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अभी इसको और टूटना बाकी है, मतलब यूं कहो कि पार्शियल डाइजेशन किया है, किसका, स्टार्च का, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होती, ठीक है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो यू मान के चलो लिपिड का भी कोई खास डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने प्रोटीन ही तो सबस्ट्रेट पढ़े थे, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन, और तीसरा हमने पढ़ा था फैट्स। तो तीनों में से सिर्फ और सिर्फ किसकी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की, वो भी पार्शियल डाइजेशन होती है, पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती,
ठीक है। तो स्टार्च का काम क्या हो गया, सॉरी स्लेवरी एमाइलेज का काम क्या होगा, टू डाइजेस्ट दी स्टार्च। तो आपसे कोई पूछ ले सबस्ट्रेट क्या है स्लेवरी एमाइलेज का, या तो डायरेक्ट लिखो स्टार्च या क्या लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन कई बार आता है एक नंबर के अंदर। सबस्ट्रेट सबका याद होना चाहिए, हर एंजाइम का सबस्ट्रेट आपको याद होना चाहिए। सबस्ट्रेट यानी वो चीज जिसपे वो काम करे, क्लियर, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टार्च द स्लेवरी एमाइलेज। अब देखो बेटा यहाँ से तुमसे कोई पूछ ले कि बक्कल कैविटी में कैसा डाइजेशन हो रहा है, तो बक्कल कैविटी देखो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ आपके, जैसे ही मुंह में गया बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। किसका डाइजेशन होगा, सिर्फ 30% स्टार्च का होगा। कम क्यों होता है, क्योंकि थोड़ी देर आप खाना रखते इतनी देर में आप अंदर चले जाते हो उसको, ठीक है ना, निगल लेते हो, स्वेलो कर लेते हो, इसीलिए इतना टाइम नहीं मिलता कि और ज्यादा डाइजेस्ट हो पाए, इसलिए सिर्फ 30% ही हो पाता है, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी के बारे में लिखो। तो देखो दो टाइप से डाइजेशन हो रहे हैं, एक हो रहा है केमिकल डाइजेशन, एक हो रहा है फिजिकल डाइजेशन। देखो डाइजेशन का मतलब तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ठीक है। तो फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पर्टिकुलर फूड को किसमें तोड़ा जाए, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है, और फिजिकली यानी कि एक्चुअल में तुम्हें दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर टूटना, ठीक है ना। तो देखो हम बड़ा सा क्या लेके जाते हैं, एक पर्टिकुलर बाइट लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, जो करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, ये आपने लिया और उसको ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। तो इसका पर्पज क्या है, क्यों तोड़ा, ताकि एक तो आसानी से क्या हो जाए, ये अंदर चला जाए, ठीक है। दूसरा पर्पज क्या है बेटा, देखो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया केवल इतना ही था, अब हर एक का सरफेस एरिया हो गया, तो ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है जब भी हम किसी बड़े पार्टिकल को छोटे में तोड़ते हैं। तो एंजाइम एफिशिएंटली काम करती है, इसीलिए फिजिकल डाइजेशन जरूरी है। तो फिजिकल डाइजेशन कौन कर रहा है, आपके टीथ कर रहे हैं। अल्टीमेटली फिर क्या होती है इसकी, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में हमें किसके बारे में लिखना है, हमें लिखना है स्टार्च के बारे में। आपकी बक्कल कैविटी में दो टाइप से डाइजेशन हो रहा है, फिजिकल डाइजेशन भी हो रहा है और केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। समझ में आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन एंड बक्कल कैविटी। अब फूड कहाँ एंटर कर गया, फूड एंटर कर गया आपके ईसोफेगस के अंदर, कहाँ पहुंच गया आपके फूड पाइप में, ठीक है। अब फूड पाइप बेटा कैसी होती है, कितनी, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, नियरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब देखो यहाँ पे कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होती, ठीक है, और ये क्या है, कंप्लीट मसल्स से बनी हुई, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स, उनसे बनी हुई है। तो डाइजेशन तो किसी चीज का नहीं होगा इसोफेगस में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, अब मान लो ये फूड है, ठीक है, तो फूड ऐसा थोड़ी ना है कि अपने आप ही नीचे आ जाएगा, तो चलो हमने बना दिया इस तरीके से, आप जो खाते हो निकलते हो बहुत ज्यादा है, तो क्या अपने आप से नीचे थोड़ी आएगा, उसको लाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो होता क्या है, देखो मान लो ये हमारे पास पाइप है, ऐसे करके पाइप का हमने पोर बना दिया, तो ये क्या करता है, ये पहले एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ना, और ऐसे रिलैक्स होना मतलब लूज होना, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये वॉल क्या करती है, ये वॉल जैसे मान लो थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं, ये वॉल जैसे यहाँ से पहले क्या करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगी, ठीक है, आगे बात समझ में, सुखड़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, वापस से रिलैक्स हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहोगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इट इज रिदमिक, रिदमिक मतलब एक पर्टिकुलर रिदम में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इट इज रिदमिक मूवमेंट या रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल ऑफ ईसोफेगस टू पुश द फूड टूवर्ड्स दी स्टमक, ठीक है। जो बॉवल है, बॉवल क्या होता है, फूड मिक्स विद सलाइवा, ठीक है। जो तो फूड आपने ऊपर जो पढ़ा था बक्कल कैविटी में, जब टूट जाता है पार्टिकल्स में और सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको बॉवल कहते हैं, ठीक है। तो अब बॉवल के मूवमेंट के लिए उसको कौन सा मूवमेंट हो रहा है, उसका पेरिस्टाल्टिक, क्लियर, ठीक है ना। यहीं तक पढ़ाना था, नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन इन स्टमक करेंगे और इंटेस्टाइन करेंगे और जो है डाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेक्चर, ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।